हेलो दोस्तों, हमारे किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं शादियों में बनने वाली भरवा भिंडी, जो कि हम सभी की फेवरेट होती है। फ्रेंड, आज जो मैं आपको भिंडी की रेसिपी बताने वाली हूँ, अगर आप कोई आपके घर पे मेहमान आता है और उसको कुछ स्पेशल अलग सा खिलाना चाहते हैं, तो एक बार इस भिंडी को बना करके ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यकीन मानिए, आपका रिश्तेदार आपकी तारीफ़ किए बिना लौट कर वापस नहीं जाएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बाउल में स्वाद अनुसार नमक लेना है, और उसमें 2 स्पून आमचूर पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच किचन किंग मसाला, और इसमें हमको पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, और एक परफेक्ट मसाला तैयार कर लेना है। और जब हमारा मसाला तैयार हो जाएगा तो उसमें हमें 1 चम्मच सौंफ ऐड करना है। सौंफ ऐड करने के बाद सौंफ को भी मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर भिंडी को धो करके इस तरीके से कट करना है। इसके बीच में हमको ये कट लगाना है। फ्रेंड, यहाँ पर आपको कट आर पार नहीं लगाना है, बस बीचों बीच लगाना है। उसके बाद में हमने जो मसाला तैयार किया है भरवा भिंडी के लिए, वो मसाला हमको भिंडी के बीचों बीच इस तरीके से फिल करना है, और एक्स्ट्रा जो मसाला है भिंडी के ऊपर वो हमको निकाल देना है। इसी तरीके से फ्रेंड, हमको सारी भिंडियों को कट करके फिल कर लेना है मसाले से। और ये देखिए, हमारी सारी भिंडियों में मसाला फिल हो चुका है। अब ये भिंडियाँ हम हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच हॉट ऑयल किया हुआ है कढ़ाई में। इसको हमको मीडियम से हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। इसको फ्राई करने में लगभग 7-8 मिनट लगे हैं हाई फ्लेम पर। अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी पसंद करते हैं तो हाई फ्लेम पर ही फ्राई कीजिएगा। भिंडी 1 प्लेट में निकालने के बाद हम बचे हुए ऑयल में 8 से 10 बारीक कट किए हुए लहसुन और 3 बड़े साइज की प्याज, जो हमने लंबी शेप में कट की है, ऑयल में ऐड करेंगे और इनको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। उसके बाद में हमने 2 टमाटर यहाँ पर ऐड किए हैं बारीक कट करके, और इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, और लगभग 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इनको पकने देंगे। उसके बाद बचा हुआ हमारा जो मसाले का पेस्ट बचा हुआ है, उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे, और 2 स्पून यहाँ पर दही ऐड किया है। अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर अमचूर और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सब अच्छे से मिक्स कर देना है, और इस मसाले को 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देना है। तो ये देखिए, मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद में हम यहाँ पर फ्राई की हुई भिंडी मसाले में ऐड करेंगे, और भिंडी ऐड करने के बाद भिंडी में हम सारा मसाला अच्छे से ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से भिंडी मिक्स करने के बाद हम मसाले में लगभग 2 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। और ये देखिए फ्रेंड, हमारी जो भरवा भिंडी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। आई थिंक आप सब देख करके मुंह में पानी आ रहा होगा, और आप सबका ही इसको खाने का मन कर रहा होगा। तो अगर आप शादियों में बनने वाली ये डबल मसाला भरवा भिंडी ट्राई करना चाहते हैं, या खाना, या अपने रिश्तेदारों को खिलाना चाहते हैं, तो एक बार इस भिंडी को ट्राई जरूर कीजिएगा। ये ना सिर्फ आपके घर में आप सभी को पसंद आएगी, बल्कि अगर कोई रिश्तेदार भी इसको आपके घर से खाकर वापस जाएगा तो वो लाइफ टाइम आपकी तारीफ किए बिगैर नहीं रह पाएगा। तो अगर आपको हमारी भरमा भिंडी की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा।